झारखंड व पाए झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। झारखंड राज्य का सुप्रसिद्ध सूर्य नारायण वन मुकुंदपुर मंदिर परिसर में शांति समिति छठ महापर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस पदाधिकारी श्री बंशीधर नगर प्रमोद कुमार केसरी के द्वारा किया गया, जिसमें शांति समिति की बैठक में गरिमाई उपस्थिति, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी केतार, पुलिस निरीक्षक भवनाथपुर, वन क्षेत्र पदाधिकारी भवनाथपुर केतार, थाना वन परिषद पदाधिकारी भवनाथपुर मुखिया की उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई। वहीं मंदिर समिति के सभी पदाधिकारियों सहित काफी संख्या में मुकुंदपुर के ग्रामीण उपस्थित थे। आज शांति समिति की बैठक संपन्न, सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए। क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे मंदिर समिति के अध्यक्ष? शांति समिति की बैठक में जितने उपस्थित अधिकारी थे, चाहे वह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हों, इंस्पेक्टर हों, BDO हैं, CO हैं, दरोगा जी हैं, सभी स्तर के लोगों ने जितना खुले मन से, खुले दिल से सहयोग का आश्वासन दिया है, उसके लिए हम मंदिर कमेटी की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। पिछले साल भी इन लोगों ने काफ़ी उम्मीद से ज़्यादा मेहनत किया था इस भीड़ को संभालने में, और हम अपनी ओर से भी, अपने कमेटी की ओर से, ग्रामीणों की ओर से यह आश्वासन देते हैं कि जितने भी भक्तजन आएंगे उनको किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करने देंगे, यह मेरा वादा है। देखिए, आज शांति समिति के बैठक में DSP, पुलिस इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी, BDO और आपके वन विभाग के भी अधिकारी, तमाम पदाधिकारी गण आए, सब जनता जनार्दन इलाके के सम्मानित प्रतिष्ठित मुखिया सब लोग आए हैं। पहले तो मैं इन लोगों को धन्यवाद दे दूं, बधाई के पात्र हैं कि भगवान के आस्था रखते हुए आज बैठक में शामिल हुए। और मैं पूरा पूरी विश्वस्त करना चाहता हूँ अपने छठ महाव्रत के श्रद्धालु सूर्यनारायण मंदिर परिसर में पहुँचें, और मंदिर समिति पूरे मुस्तैदी के साथ आपका सेवा करने के लिए तैयार है। हम लोग गांव के मुकुंदपुर ग्रामीण जनता, इस क्षेत्र के एक एक अगल बगल के लोग, कमेटी के लोग, हम लोग श्रद्धालु के लिए बने हुए हैं, और श्रद्धालुओं को किसी तरह का कोई असुविधा नहीं होने देंगे, यह मेरा दावा है। और मंदिर कमेटी जो है इसके लिए तत्पर और तैयार है। शांति समिति का बैठक किया गया और मंदिर निर्माण के पास जमीन नहीं है, इसके वजह से विकास नहीं हो पा रहा है। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक सरकारी प्रक्रिया है, वन अधिकार अधिनियम के तहत भी जमीन उपलब्ध कराया जा सकता है, जिसके लिए प्रावधान के अनुसार समिति को, जो मंदिर निर्माण कमेटी है, उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जिसके चलते हम लोग उसमें कुछ आगे की कार्रवाई नहीं करने पाते हैं। अभी मंदिर समिति को सर आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तो जो सरकारी प्रक्रिया उसको पूरा करेंगे, और हमारे तरफ से जो वांछित सहयोग होगा हम करने के लिए तैयार हैं, हम करेंगे। विधि व्यवस्था रहेगा छठ में, इसके बारे में? आज गढ़वा जिला अंतर्गत केतार थाना क्षेत्र में मुकुंदपुर ग्राम के इस ऐतिहासिक सूर्य मंदिर में प्रतिवर्ष बहुत ही भव्य छठ पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों लोग, अगल बगल के सभी राज्यों से लोग, श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। कई मान्यताओं को मानने वाले लोग यहाँ आते हैं, और कई मान्यता यहाँ पे भी है, जिसके कारण इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक है। और पिछले वर्ष भी हम यहाँ पे छठ पूजा का आयोजन करा चुके हैं, देख चुके हैं, जिससे यहाँ की भव्यता का आकलन मेरे सोचने से भी अधिक था। तो उसी को देखते हुए आज हम लोग यहाँ पर शांति समिति का बैठक किए हैं। बैठक के उपरांत जो पिछले बार जो भी कमियाँ रही हैं, उन सभी को दूर करते हुए पूजा समिति को भी कुछ निर्देश दिया गया है। साथ ही यहाँ पर छठ पर्व को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में, इसके अलावे चिकित्सा के लिए यहाँ पर शिविर भी
प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा इंश्योर कराया गया है कि यहाँ पर उस दिन रहेगा और तमाम चीज़ें जो विधि व्यवस्था संबंधित है वो हम लोग यहाँ पर इंश्योर कराएंगे। इसके साथ ही छठ पूजा कमेटी के लोगों को बताया गया कि पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था किया जाएगा, क्योंकि यह पहाड़ी क्षेत्र है और जंगल का एरिया है, इसके बाद तो किसी तरह का कोई घटना ना घटे इसके लिए पर्याप्त मात्रा में लाइटिंग की व्यवस्था हो, साउंड अच्छा होना चाहिए ताकि जगह जगह पे लोग एक कहीं भी कुछ तरह का किसी को मैसेज पहुंचाना है तो उसको हम लोग आसानी से कर सकें। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरा के लिए भी हम लोगों के द्वारा बोला गया है और छठ पूजा कमेटी के द्वारा भी इंश्योर कराया गया कि इस बार हम लोग सीसीटीवी की भी कैमरा लगाएंगे और ट्रैफिक के लिए भी हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हम लोग उसको स्थल चयन करने के लिए थाना पर निर्देश दिया गया है, क्योंकि पिछले बार काफ़ी संख्या में यहाँ पर वाहनों की संख्या आग हो गई थी, लगभग 15-20 हज़ार किससे अधिक की संख्या थी यहाँ पर वाहनों की, तो उसको देखते हुए हम लोगों के द्वारा कहीं वैकल्पिक स्थल का चयन कर उस पर ट्रैफिक के लिए भी हम लोग उचित कार्य करेंगे। धन्यवाद।